सकते हो, वहाँ पे भी माया हैवी होगी, फिर इसको होती रहेगी। यही रीजन होता है कि आपने बहुत बड़े बड़े गुरु देखे होंगे, बहुत सही मुकाम पे पहुंच के भी वो गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं या कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक बॉडी है, जब तक शरीर है, इसका 24 घंटे ध्यान रखना पड़ेगा, उसी को मेडिटेशन बोलते हैं। ठीक है, कि ये गलत जगह ना जाए, क्योंकि देखो इंद्रियां जो है ना, ये देखो कृष्ण ने भी बताया ना, देखो आपने देखा होगा कि कृष्ण के 4-5 घोड़े हैं। कृष्ण जी क्या हैं? सारथी बने हुए हैं। और अर्जुन क्या हैं? पीछे, मतलब पीछे बैठे हुए हैं। और सारथी किनको बनाया उन्होंने? कृष्ण को। हाँ, अभी यहाँ पे सीखने वाली ये चीज़ है कि वो 5 क्या हैं? 5 घोड़े, वो 5 हमारी इंद्रिय। तो वो 5 घोड़े की लगाम किसको देनी है? आत्मा को बोलो, चाहे चेतना को, चाहे बुद्धि को बोलो। ठीक है, आपने वो 5 घोड़े की लगाम, उसको कृष्ण बोला गया कि कृष्ण को लगाम देनी है, ना कि अर्जुन को। क्योंकि अर्जुन क्या है? मन। जो कृष्ण है और अर्जुन है, ये आपस में मन की बात है, मन और आत्मा की बातें हैं। ठीक है, कृष्ण आत्मा है, आत्मा कह लो, परमात्मा कह लो। ठीक है, कृष्ण परमात्मा आत्मा है, वो मन को निर्देश देते हैं, उस मन को जिसका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत हाई लेवल पे पहुंचा है। नहीं तो लाखों दुनिया देखो, वहाँ पे कितनी दुनिया है, उधर जिसको बोलते हैं धुरंधर, मतलब योद्धा वहाँ पे खड़े हैं, क्या बोलते हैं, धृतराष्ट्र, ये वो सब बड़े से बड़े योद्धा और छोटे से छोटा सैनिक, लेकिन उन्होंने किसको उपदेश दिए? सिर्फ अर्जुन को। क्यों सिर्फ अर्जुन को? क्यों? क्योंकि चेतना का स्तर मैटर करता है। किसका चेतना का स्तर किसका है? हम लोग क्या करते हैं, गीता का एक श्लोक उठा लेंगे और उसका ज्ञान बांटना शुरू कर देंगे और बोलेंगे ये बोला गीता में, तो ऐसे ही होता है करके। यार पहले सोचो तो सही यार, आप अर्जुन हो, आप उस आपकी कॉन्शियस लेवल वहाँ तक पहुँची हुई है जो कि आप वो समझ जाओगे वो चीज़। ठीक है, इसलिए हमें कोई भी जो धर्म ग्रंथ है, जो स्पिरिचुअल ग्रंथ है, इसलिए हमें समझ नहीं आता, क्योंकि वो बातें हुई हैं आत्मा के लेवल से और की गई हैं चेतना के, जो हाईएस्ट मतलब पॉसिबिलिटी है उसको अचीव की हुई बंदे के साथ वो बातें की हुई हैं। दिखाना शुरू कर देते हैं।